Hey everyone, welcome back to Investopedia India World of Health Creation. Guys, market consists of two types of people: they are traders and investors, and both of them are like two eyes of an individual. Both trader and investor are important for market. बोथ लुक आई लाइक बट हैव देर ओन कैरेक्टरिस्टिक ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों मार्केट के लिए बहुत जरूरी है लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है और इसीलिए आप अगर लॉन्ग टर्म मार्केट में रहना चाहते हैं सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आप एक ट्रेडर है या एक इन्वेस्टर है और ये जानने के लिए ये बहुत जरूरी है कि क्या एक ट्रेडर के ट्रेड्स होते हैं क्या एक इन्वेस्टर के ट्रेड्स होते हैं सो गाइज मोस्टली आई मेक वीडियोस फॉर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज हाउ योर इन्वेस्टमेंट कैन बी प्रॉफिटेबल बट आज का वीडियो इज फॉर ऑल यू गाइज ट्रेडर कम्युनिटी है उसमें ओनली टेन परसेंट पीपल आर द प्रोफिटेबल ट्रेडर्स एंड नाइंटी परसेंट पीपल आर लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हुई दार्केट यस जो नाइंटी परसेंट लोग है वो ट्रेड में लॉस करके फाइनली स्टॉक मार्केट को बाय बाय कह देते हैं और सिर्फ टेन परसेंट है जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं जो बने रहते हैं और हमेशा प्रॉफिट कमाते हैं सो गाइज मार्केट का वॉलिटाइल होना तो ट्रेडर्स के लिए एक बून एक यू नो बेनिफिट होना चाहिए पर होता यह है कि जब मार्केट में वॉलिटैलिटी अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ जाती है तो इन्वेस्टर्स से ज्यादा ट्रेडर्स एग्जिट करते हैं क्यों आयरनी है क्या ऐसी चीजें हैं जो अडॉप्ट करके या जिनके बारे में जान के आप बन सकते हैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड हमेशा इन्वेस्टेड रह सकते हैं मार्केट में आज हम इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं बट बिफोर आई स्टार्ट आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू मेक अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं आप मेरे वीडियोस देखते हैं पर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आज आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पॉज करके नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ये गाइज ये जो शेयर बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो तो अगर आप बेनिफिट होते हैं तो प्लीज इसे शेयर कीजिए बिफोर आई स्टार्ट दीडियो आई वु लाइक टू टेल किस कस्टमाइज पेड प्लान जो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हम टाइम टू टाइम प्लान लॉन्च करते रहते हैं तो उसमें बहुत सारे प्लान्स है रिव्यू सर्विसेस है जो आपका ऑलरेडी यू नो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसके लिए दैट इज फॉर इन्वेस्टर्स ऑल्सो वी डू क्रिएट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो फॉर यू अंडर पीएमएस एमएसो वी डू गाइड यू फॉर ट्रेड्स अंडर एलएमएस एंड एससीएलएमएस सी वी डू गिव यू स्मॉल ट्रेड रिकमेंडेशम इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन वायर इन्वेस्टर प्लान एंड एट द एंड द मोस्ट यू नो लाइक्ड प्लान ऑफ आर्स मल्टी बैगर प्लान जिसमें आप बहुत मल्टी बैगर रिटर्न कमा सकते हैं सो so, ये सारे प्लान लेने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नाइन एट टू वन सिक्स डबल वन डबल सिक्स सेवन पे या फिर मेल कर सकते हैं इन्विस्टोपीडिया इंडिया जीरो एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पे आपकी स्क्रीन पर है परफॉर्मेंस क्या ऐसी चीजें हैं क्या रूल्स है जैसे माइंड में रख के आप अपने ट्रेड को प्रोफिटेबल कर सकते हैं आप एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं बिफोर दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन बिगेस्ट मिस्टेक विच ईच ट्रेडर डज और वो है कि ट्रेडर ये सोचते हैं कि हमें किसी भी ट्रेड में लॉस नहीं होना चाहिए और तभी हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर है But the reality is booking profit and booking loss. These are two sides of a single coin. So when you toss a coin, coin there is equal probability whether head would come or tail would come. Right? Head or tail and equal probability. Similarly, there is equal probability when you do a trade, there is equal probability to make profit or to book loss. प्रबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट पैसा कमाने की प्रॉफिट कमाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है बाय डूइंग सिस्टमैटिक एंड स्ट्रटेजिक ट्रेड ये सिस्टमैटिक एंड स्ट्रेटेजिक ट्रेड हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हंड्रेड परसेंट लॉस करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको जीरो कर सकते हो इट वुड नेवर हैपन तो अगर आप एक ट्रेडर है अगर आप मार्केट का पार्ट है यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपके कुछ ट्रेड लॉस मेकिंग ट्रेड होंगे एंड दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर ट्रेडिंग लाइफ तो दैट शुड नॉट ब्रिंग पैनिक ऑफ योर सिमिलरली मार्केट जैसे अभी वॉलिटाइल है अभी मार्केट में थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट है आज से छह महीने पहले मार्केट में बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट था तो दिस अगेन इज अथ कि कंसिस्टेंटली मार्केट वुड डू गुड या फिर देर इज एनी बेस्ट टाइम टू डू ट्रेड या फिर ट्रू इंट्रेंसिक वैल्यू पे जो स्टॉक्स अवेलेबल है उन्हीं में ट्रेड करना चाहिए या फिर फंडामेंटल एनालिसिस वुड हेल्प इन ट्रेड नो ऑल दीज थिंग्स डज नॉट मैटर इन केस ऑफ ट्रेड हाँ अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट

control your emotions you कैन नॉट बी ड्रिवन बाई इमोशन इफ यूर ड्रिवन बाई इमोशन यूलटेबल ट्रेड नॉट ड्रिवन बाई इमोशन कैन बी नेगेटिव इमोशन एज वेल एज पॉजिटिव इमोशन अगर आप बहुत ज्यादा ग्रीड का शिकार हो रहे हो तो आपको जब प्रॉफिट दिख रहा है कोई स्टॉक आपने लिया है और वो बढ़ता जा रहा है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है बट आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे क्यों क्योंकि आप ग्रीड में हो लालच में होगी और बढ़ेगा और अच्छा दे सकता है और फिर एक दिन आएगा जो वो रिवर्स करने लगेगा बिकॉज इट मूव इन अइक्लिकल मैनर तो आप ट्रेडर हो आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी नाउ अगर आप नेगेटिव सेंटीमेंट में आ गए थोड़ा सा आपके प्राइस से स्टॉक नीचे गया आप डर गए आपने बिना स्ट्रटेजिकली स्टॉप लॉस लगाए बस थोड़ा नीचे जाते डर के पैनिक सेलिंग कर दिया और उसके बाद बाउंस बैक कर गया स्टॉक अगेन यू लॉस्ट एज अ ट्रेडर यू फेल्ड सो नेवर एवर बी नो प्रे टू इमोशंस

प्रॉफिट बच जाना चाहिए इस प्रेशर में अगर आप ट्रेड ले रहे हो आई एम श्योर आई कैन बैट 90 परसेंट टाइम्स योर ट्रेड वुड फेल ये बैकलॉक ये बैगेज लेके ट्रेड्स मत कीजिए दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड मेंटल कॉग्नेटिव डिस्टर्बेंस आपको जो लॉस हुआ उसकी वजह से आपकी जो नेटवर्थ कम हुई है आप जहां खड़े थे उससे आप पीछे चले गए एंड योर माइंड डज नॉट एक्सेप्ट कि आप पीछे आ गए हो आप उसी जगह पर रहना चाहते हो या उससे आगे ही जाना चाहते हो उसके लिए बिना सोचे समझे यू पुट इन मोर एफर्ट्स इसमें आपकी जो एनर्जी आपका जो ध्यान है वो है अपनी पोजीशन रिगेन करने पे बट आप ट्रेड में जो अलर्टनेस चाहिए जो स्ट्रेटेजी चाहिए कि ये स्टॉक में क्यों ले रहा हूं कितना बढ़ेगा मैं प्रॉफिट बुक करूंगा कितना नीचे मैं करके कर ये पूरा आप कर ही नहीं पाओगे की जो आपने टॉस किया है कॉइन उसमें आपको लॉस हो एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट प्रोबेबिलिटी इक्वल प्रोबेबिलिटी तो है ही जितनी प्रॉफिट कमाने की है उतनी ही लॉस कमाने की है दिस डज नॉट मीन की आपने जो लॉसेज बुक कर दी उसको भूल जाओ आपने स्टॉप लॉस मेंटेन करके एक तो आपको करना है ताकि बहुत एक्सट्रीम लॉसेज आप नहीं करो अपिटाइट के हिसाब से लॉसेस बुक करोगे सेकेंड यू की नोट की ट्रैक ऑफ लॉसेज यू आर बुकिंग एंड देन यू अप्लाई यू नो रिकवरी लेटर कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर एक ट्रेड में मैं जो प्रॉफिट कमा रहा हूँ उसका इतना प्रॉफिट या फिर शुरू में जिन ट्रेड्स में प्रॉफिट कमा रहे हो हंड्रेड परसेंट यूकेटेड टू द लॉसेस मेड कि भाई मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे आया हूं अब अब जो प्रॉफिट कमाऊंगा उसके बाद प्रॉफिट्स एक्चुअली होंगे क्योंकि अभी तक के प्रॉफिट्स तो पहले वाले लॉसेस को नलीफाई करने में चले गए सो इन दिस वे यू कैन गो फॉर अ रिकवरी लैडर रादर देन क्लाइंबिंग ऑन वन ट्रेड की बस अब इसमें मुझे अपने लॉसेस कवर करने एंड देन आई वुड यू नो मूव फर्दर एस आई विल एग्जिट फ्रॉम द मार्केट Next, the fourth rule is never ever hear to the noises around you. What are the noises? The news, the news channels, the trading channels, the you know people around you giving you advice and even YouTube, any social media. आपको जो सीखना है जो लोगों को सुनना है चाहे YouTube देख के चाहे टीवी देख के चाहे लोगों से बात करके वो आप पहले कर लो जब आप ना ट्रेड कर रहे हो जब आप, आप स्टॉक को बाय कर चुके हो किसी एक स्ट्रेटेजी के साथ डोंट हियर टू अदर्स आप चाहे सेम डे इंट्रा डे ट्रेड कर रहे हो पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो स्विंग ट्रेड कर रहे हो एक महीने की डिलीवरी लेके काम कर रहे हो डोंट हियर डोंट गो ऑन द एडवाइसिस गिवन बाय पीपल फिफ्थ एंड द लास्ट रूल ने प्रे टू कॉग्नेटिव इज लाइक पीपल कि जिस चीज में जिस स्टॉक में उनको प्रॉफिट दिख रहा है, जहां दिख रहा है तो, you know, कि वो बहुत इंटेलिजेंट uh, है या उनका uh, काम करने का तरीका है इज करेक्ट वॉट दे डू द प्रोफिट गिविंग स्टॉक्स दे कीप ऑन होल्डिंग लेकिन जो लॉसेस दिखा रहे थे उनको दे एग्जिट

आई होप आप इस वीडियो के जिस्ट को समझ पाए एंड इसकी वजह से आप अच्छे ट्रेडर बन पाए प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कर पाए अगर ऐसा है मुझे नीचे प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा क्या आपको इससे कोई टेक टेकअवे मिला एंड ऑल्सो टू टेल मी वॉट वुड बी द नेक्स्ट टॉपिक यू वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो ऑन थैंक यू सो मच